सारे बड़ों के साथ उसे रस्सियों में बांधा गया। यजीद ने हुक्म दिया, सकीना को रस्सियों से आजाद किया गया। फिर यजीद ने पूछा, क्या है हुसैन की बेटी, जरा मुझे बताओ तुमने अपने हाथों को अपने चेहरे पर क्यों रखा है। हुसैन की बेटी सकीना ने यजीद को जवाब नहीं दिया बल्कि अपने भाई की तरफ देखा। इमाम ने फिर कहा, ऐ यजीद, क्या तुझे मालूम नहीं हमारी दादी कौन है। ऐ यजीद, ये फातिमा की पोती है, सकीना 4 साल है, बाल इतने लंबे नहीं कि बालों से पर्दा करे। सकीना ने अपने हाथों से अपने चेहरे का पर्दा किया है। लो आज़ादारों, सकीना दरबार से होती हुई जिंदान पहुंच गई। वो वक्त भी आया कि जब सरे हुसैन सकीना के पास आया। 1 साल के बाद जब सकीना ने बाबा से मुलाकात की, मुलाकात तो हुई लेकिन अंदाज बदला हुआ था। अरे इससे पहले सकीना बाप के सीने पर सोती थी, आज सरे हुसैन है जो सकीना के सीने पर है। सकीना ने बाप के सर को अपने हाथों पे लिया, बाप से कुछ बातें की। पहला जुमल कर सकीना की हालत को देखे, सकीना ने इमाम के सर को हाथों में लिया, पहला सवाल ये किया, बाबा हो सके तो आप मुझे ये बताइए कि आपके दाढ़ी को खून से खिसाब किसने किया। फिर सकीना ने पूछा, अब बाबा हो सके तो मुझे आप ये बता दीजिए, वो कौन शख्स है कि जिसने मुझे 4 साल की उम्र में यतीम बना दिया। फिर सकीना ने पूछा, बाबा जरा आंखें खोल कर देखिए, बाबा जो तोहफा आपने ईद पर दिया था जालिमों ने उसे छीन लिया। फिर सकीना ने कहा, बाबा जाते वक्त आपने वसीयत की थी कि शिकवा नहीं करना। ऐ बाबा, मैंने कभी भी शिकवा नहीं किया है, आप भी अम्मा से पूछ सकती है, शम्र ने मुझे तमाचे मारे, मैंने शिकवा नहीं किया, जालिम ने मेरे गोशवारों को छीना। बाबा मैंने शिकवा नहीं किया, बाबा मुझे नंगी ऊंट पर सवार किया गया, बाबा मैंने शिकवा नहीं किया, बाबा दरबार में शकी ने मुझे कनीजी में मांगा, बाबा मैंने शिकवा नहीं किया। ऐ बाबा, सारी मुसीबतें सकीना झेल चुकी है, कोई शिकवा नहीं है, बस सकीना के दिल में एक ख्वाहिश रह गई है, बाबा हो सके तो जरा आंखें खोल कर देखो, कभी आपने क्या 4 साल की बच्ची के बाल सफेद होते हो। सरे हुसैन की आंखें खुली, सकीना ने बाप के सर को अपने सीने से लगाया, इतना गिरिया किया, बच्ची बेहोश हो गई। इमाम वक्त आगे बढ़ा, सकीना की नफ्स को देखता है और ये जुमला कहता है, पुपी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारो, वो वक्त भी आया कि जब गस्ताला को बुलाया गया, गस्ताला गुस्ल देते देते एक चीख मार कर बाहर आ जाती है और जनाबे ज़ैनब से पूछती है, ऐ बीबी, गुस्ल देने के लिए तुमने किस लाश को मेरे हवाले कर दिया। अरे क्या तुम्हारी बच्ची को क्या किसी तरह का कोई मर्ज था। ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, ऐ बीबी ऐसे ना कहो, शामे गरीबा जो सकीना का कुर्ता चला, जिस्म से ऐसे पैवस्त हुआ कभी जुदा ना हो सका। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, मातमे हुसैन।